बहुत अंधेरा है ना अंदर, पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ थारे साथ। बाहर की जिंदगी थारा इंतजार कर रही है, बाहर बहुत उजाला ही उजाला है। सच्ची वाह, फूटा दर्पण में मारी कहीं फूटा नसीब देख रही है कहीं? कामकाज को नहीं करनी हो कहीं? आज सूरज देवता सर पे चढ़ा हुआ है और थारे घरवाले की भूख भी कलेजे मारे चढ़ रही होगी, जब इन्हें खाना दे रहा। अजन्मे की ममता में जीते जागतों को फर्ज मत भूल, गृहस्थी की बेड़ियों में पांव चटक कितरो भी भारी हो चलनो पड़े है भू। पर ना, इन्हें तो उड़ान भरनी है, वंश परंपरा तो जाए भाड़ में। जोगी जी, जोगी, 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 हटिए पीछे। अरे ये सब उस रुकमनी डायन का किया था राय साहब, और डायन मरे मारे इसने खा गई साहब। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। पैरों तले जमीन खिसक जाना, इस कहावत की अनुभूति से भी ज्यादा विचलित कर देने वाली यह घटना राजस्थान भीलवाड़ा के मौदा गांव में घटी। हमलावर गर्भवती कजरी के दोनों पैर काट कर ले गए और उसके बचे खुचे शरीर ने तड़प तड़प कर प्राण छोड़ दिए। उसके निढाल अपाहिज शरीर में पल रहा बच्चा गर्भ के अंधेरे में ही जिंदगी की रोशनी से महरूम रह गया। कजरी का पति जोगी और सास अरुणा सख्ते में थे। अपने पैरों के पंजों की छाप लिए गृह प्रवेश करने वाली बहू अपने पंजों के बगैर हमेशा के लिए विदा हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी एक सवाल कि उसकी इस निर्मम हत्या को अंजाम देने वाला हत्यारा कौन था। कजरी की सास अरुणा की रुदाली के चीखते स्वर किसी रुकमई को दोषी ठहरा रहे थे। आखिर कौन थी ये रुकमई
और क्या वाकई में उसने कजरी की हत्या की थी। अपराध की ये बेहद संगीन घटना थी जिसके रहस्यमय कारणों की गुत्थी सुलझाने में पुलिस बड़ी मुस्तैदी से जुट गई। साहब, जब मैं कजरी ढूंढते यहाँ आयो साहब, तुम्हारी कजरी यहाँ तड़प रही थी साहब। ढूंढते आयो मतलब? वो तो खाना देने आई थी ना तुझे। नहीं नहीं साहब, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो पास वाले गांव में खाद लेने गया था साहब। हमने सोचा साहब, अब ऐसी हालत में उसका यहाँ आना ठीक नहीं है, तो वापसी में मैं खुद ही खाना खा के आ जाऊँ। लेकिन जब मैं घर पहुँचा साहब, कजरी, अरे जोगी तू के हो? कजरी तो थारे वास्ते खेत में खाना ले गई जाए, और बिन्ने तो बड़ी देर होगी बेटा, हाल तक आई भी कोनी। पर तू अन्नी ने काई कर रहे हो? मैं तो बाजार गयो तो सोचो वापसी में खाना खाते हुए चलो। लेकिन माँ, तू तो इतनी समझदार है ना, इस हालत में तूने उसे खेत में भेज दिया तो कहीं सर पे बिठाए रखू कहीं? माँ तू भी ना कजरी जोगी, कजरी ये क्या हुआ? कजरी मारी घरवाली ने साहब यहाँ तड़प तड़प के दम तोड़ दिया साहब। मेरा परिवार, मेरा बच्चा सब खत्म हो गया साहब, सब खत्म हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? रुकमई साहब। लो साहब, मैं सच कहूं साहब, मैंने कजरी को कोनी मारे हो साहब। लेकिन गांव वाले कहते हैं सिर्फ कजरी ही नहीं, तुमने गांव के और भी नवजात शिशुओं को मारा है, क्यों? हत्यारे तो वो खुद है साहब, पाखंडी है कमीने। ए छोरी, जबान संभाल के। साहब है, जो बोलना है साफ साफ बोल। साहब, ये लोग औरत जात के दुश्मन है साहब। इनकी औरत की कोख में अगर छोरी होना साहब, तो ये उसको जिंदा नहीं रहने देते साहब। उसका गर्भपात कराकर उसका इल्जाम मारे सर मरते हैं साहब। साहब, कजरी साल भर पहले भी पेट से थी साहब। जब उसकी सास और घर वालों ने पता कराया कि उसके गर्भ में छोरी है, तो उसका भी गर्भपात करा दिया साहब, दफना दिया उस अजन्मी जान को, और उसका इल्जाम भी मर दिया मारे सर। और अब जब कजरी अपनी टावर को पेट में लेके मर गई, तो भी इल्जाम मारे सर पे। कोई ऐसे ही आरोप नहीं लगा था, उन्हें कोई वजह तो रही होगी। वजह मारी फूटी किस्मत है साहब। शादी के 3 महीने बाद मारा आदमी खत्म हो गया साहब, तब तक मारी गोद भी नहीं भरी थी साहब। एक मजबूर औरत को सहारा देने के बजाय ये सब लोग मने जली कट्टी सुना रहे हैं साहब, मने दोष दे रहे हैं साहब, कहे मैं अपना पति ने कहा कि साहब मने नायन गया है साहब, मैं कहा नहीं करी साहब।
मैं डायरेक्ट को नहीं साहब। पहले ये लोग मुझे अभागन बोलते, मेरे साए से भी दूर भागते, जैसे जैसे मैं कोई छुआछूत की मरीज हूँ। और फिर अपने पाप को मेरे सर मरने के लिए मुझे डायन बना दिया साहब। जिस औरत की गोद सूनी रह गई हो साहब, वो तो बच्चों से प्यार करेगी ना साहब। ये लोग अपने बच्चों को मेरे पास नहीं आने देते साहब। कैसे? मैं डायन हूँ, मैं हत्यारा हूँ, लेकिन धरती माता की सौगंध साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। कजरी को मैंने नहीं मारा, मैं नहीं हूँ डायन साहब, मैंने किसी के बच्चे को नहीं मारा साहब। रोइए नहीं, अब आप जा सकती हैं। योगेंद्र, इस रुक्मणी पर नजर रखो और पता करो कि आसपास ऐसे कितने हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम हैं जहां पर इलीगल तरीके से सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट होते हैं। और हाँ, कजरी का भी ऐसा कोई टेस्ट हुआ तो पता करो। राम राम भैया। राम राम सर। राम राम। और कैसे हो? बस ठीक है सर। अरे चाय दियो। सुल्तानपुर से आए हो? सो बिंदड़ी पेट से है। अच्छा अच्छा भैया, यहाँ कोई डॉक्टर है जो ये बता सके कि पेट में छोरा है कि छोरी? थारो काम भीड़ बड़ा मुसी, बैठा एक डॉक्टर है, बैठा जा। धन्यवाद। डॉक्टर ओ भाई चलो, हमें आपकी क्लिनिक की तलाशी लेनी है। लेकिन क्यों? सर्च वारंट है हमारे पास। लेकिन सर, सर आप मुझे बताएंगे सर हुआ क्या है? अभी सब पता चल जाएगा। और आपको कोई गलतफहमी हुई होगी सर, उसमें पेशेंट्स की फाइल्स है सर, यहाँ पे पेशेंट्स की। ये देखिए, ले चलो इन्हें साथ में। चलिए डॉक्टर साहब। लेकिन हुआ क्या है? अभी सब पता चलेगा, आइए साथ। अरे आप बताएंगे नहीं क्या? साहब आप बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं। कजरी की हत्या का मुझसे और मेरे क्लिनिक से कुछ लेना देना नहीं है। देख ज्यादा होशियार मत बन, जितना पूछा है साहब ने उतना जवाब दे। इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करो। ये अपनी क्लिनिक में गैर कानूनी तरीके से सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट करता है। बोलेगा या करूं तेरे खिलाफ केस फाइल? साहब बताता हूँ, वो पिछले साल कजरी का अबॉर्शन मैंने ही किया था, और फिर 2 महीने पहले उसका पति और उसकी सास दोनों मेरे क्लिनिक आए थे उसका अबॉर्शन फिर से करवाने। क्या हुआ डॉक्टर साहब? उसके गर्भ में छोरी है। छोरी? डॉक्टर साहब मने ये छोरी नहीं चाहिए, आप बच्चा गिरा दो। नहीं, पिछली बार भी मैं आप लोगों को ये बात करने से रोक नहीं पाई थी, अरे इस बार नहीं। क्या बोल रही है तू? हैं? बोल क्या रही है तू? माँ की बात काटेगी? डॉक्टर साहब मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी को जन्म जरूर दूंगी, नहीं करवाना मुझे गर्भपात। देख कजरी, कजरी मेरी बात सुन। कजरी? मेरी बात सुन। अच्छा किया तुमने जो सच बता दिया, लेकिन जो क्राइम तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सर, सर गांव वालों से पूछताछ में एक बात सामने आई है कि कजरी की हत्या से पहले उसका पति अक्सर उसे पीटा करता था और उसकी सास भी उसे पसंद नहीं करती थी। चल जोगी तेरा काम खत्म। कहाँ हो साहब? अम्मा को पकड़ो अंदर से। कहाँ हो साहब? ले कजरी। अरे मैडम, हुआ क्या मैडम? चलो चलो बैठो।
खुद एक औरत हो के तो अपनी जात की दुश्मन बन गई, शर्म कौन आई तुझे? साहब वंश छोरी हो सको नहीं, छोरो सो आगे बढ़े हैं साहब। मैं सब बाड़े हो साहब, लेकिन वो ना तो हमारी कोई बात सुनती थी ना समझती थी साहब, बस इसी बात से गुस्सा था, लेकिन उसे मारा नहीं साहब हम लोगों ने। जो एक अजन्मी छोरी को मार सकते हैं, वो एक बेसहारा गर्भवती को तो मार ही सकते हैं। ऐसे ही अपनी अपनी घरवाली को पीटा था ना जबकि वो गर्भवती थी। नहीं साहब, नहीं साहब, जब तक ये अपने गुनाह कबूल नहीं कर लेते इन्हें यही पड़ा रहने दो। बस बेटा बस, इधर ही उतार। तू जार बलि का जानवर ले रहा, बलि का जानवर बिना संकल्प पूरा को नहीं हो। ठीक है माँ, जा बैठे पूजा कर। हाँ। मैं जानवर लेके आ रहे हो। बड़ी जल्दी आ गया बेटा। शायद कोई जानवर काट गया हो ना भाई, वो लगता है किसी ने कुल देवी को इसकी बलि दे दी। अपने कुल देवता को प्रसन्न करने के अंधविश्वास में जानवर की बलि चढ़ाने आई बूढ़ी अम्मा को खुद किसी ने मौत की बलि चढ़ा दिया। देवस्थान कहा जाने वाला ये वीराना एक भयानक मंजर का प्रतीक बनकर रह गया। खून के धब्बे, कटी फटी लाश और चील कौओं की ललचाई चीखें गांव वालों के अंदर कपकपी पैदा कर रही थी। लेकिन वहां कुछ ऐसे नासमझ भी थे जो इस हत्या को अपने खोखले अंदाजे लगाकर नरबलि जैसी भ्रांतियां फैला रहे थे। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो उन्हें बूढ़ी अम्मा और कजरी की हत्याओं में समानताएं दिखाई थी। हत्यारे दोनों ही पीड़ितों की टांगे काट कर ले गए थे। क्या पुलिस को यहाँ कोई ऐसा सुराग मिलेगा जो उन्हें अपराधियों तक ले जाए? लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहब मेरी माँ तो कुल देवता को जाना चलाना चाहती थी और मैं उन्हें यहाँ लेकर आया था साहब। उन्हें यहाँ छोड़कर मैं जानवर लेने चला गया साहब, और जब मैं वहां से आया तो तुम्हें किसी पे शक है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, भला भला मेरी माँ को कोई ऐसे क्यों आएगा? योगेन आसपास देखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग हमें जरूर मिलेगा। योगेन, ये टायर के निशान देख रहे हो? हाँ सर। लगता है हमलावर जंगल के रास्ते से आए थे। ये बाइक की टायर का निशान तुम्हारा है? नहीं साहब, मैं तो कच्चे रास्ते से आया था। इसकी फोटो खींचो। सर सर, बुढ़िया माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। मौत का कारण है एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज्यादा खून बहने की वजह से मौत। कजरी की मौत भी इसी वजह से हुई थी और दोनों ही विक्टिम्स के पांव काटे गए थे। सर आपका मतलब है दोनों का हत्यारा एक ही है? शायद। लेकिन सर हत्यारे को औरतों के पांव काट के मिलेगा क्या? यही तो पता लगाना है कि उंगली मार डाकू के बाद ऐसा कौन सा आदमखोर पैदा हो गया है जिसे औरतों की उंगलियों में नहीं बल्कि पंजों में दिलचस्पी है। सर गिन्ना गांव में औरतों के पंजे काटने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। सर मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा गिरोह है और अगर ये जल्दी नहीं पकड़ा गया तो काफी लोग इसका शिकार बन सकते हैं। ठीक है चलो गिरना गांव चलते। योगेंद्र फिलहाल इन्हें छोड़ दो, इनसे कहना ये गांव से बाहर नहीं जाए और डेली थाने में आके हाजिरी लगा दे।
साहब काले कोई बारसू पत्थर भेजो। कौन था वो? मालूम कोनी साहब, हमारी घरवाली बोली कोई दिखाई कोनी दियो। जब तुम्हारी घरवाली के साथ ये हादसा हुआ तो उसके साथ कोई था? मारो बेटो साहब। बेटा क्या तुम हमें बता सकते हो ये सब तुम्हारी माँ के साथ कैसे हुआ? दुखी तू बकरियानु ध्यान रख जो, मैं आई जरा ईंधन की लकड़ियां लेके। ठीक छे माँ। किधर है बेटा? सर वो रही जगह। योगेंद्र ये मुझे बाइक के टायर्स के मार्क्स लग रहे हैं, इनकी फोटोग्राफ्स करो। मोहता गांव की बूढ़ी अम्मा के मर्डर स्पॉट्स के जो टायर के निशान मिले हैं वो गिरना गांव की धनिया के मर्डर स्पॉट से बिल्कुल अलग है। सर मोहता गांव के टायर के निशान पुराने जबकि गिरना गांव के टायर के निशान नए। इसका मतलब ये हुआ कि मर्डरर्स ने अम्मा की हत्या करने के बाद अपने बाइक के टायर चेंज करवाए और फिर उसके बाद धनिया के मर्डर को अंजाम दिया। सुनो क्या तुम्हारे पास दो लड़के आए थे बाइक के टायर ट्यूब चेंज करवाने? हाँ साहब, परसों दो लड़के अपनी पंचर मोटरसाइकिल लेकर आए थे। टायर की हालत बहुत खराब थी साहब, जैसे जबरदस्ती 5-6 किलोमीटर पंचर टायर को रगड़ते लाए हूँ। किस तरफ से आए थे? साहब इतना तो ध्यान नहीं दिया, पर हाँ साहब टायर में मोटे मोटे कांटे गड़े हुए थे, शायद बंजर बिहड़ की ओर से आए थे साहब। हमारे स्केच आर्टिस्ट को उनका हुलिया बता सकते हो? हाँ साहब, उनका चेहरा तो मुझे अच्छे से याद है। जल्दी जल्दी खाना बांध दे, आज फिर देर हो गई है। अजी खाना तो कद का तैयार है। और सुनो हाँ। दफ्तर से आज थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है मारे लड्डो। ये माँ के नजर की अभी तक रात को दवाई लेकर सोई थी, हो सकता है नींद के नशे में सोई भी हो। पर अब तो सवेरा हो गया, जगा के चाय नाश्ता करा दे। मैं जाऊं के देखती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी, माँ जी, माँ जी! हाँ? हटो पीछे पीछे हटो। ये सब कैसे हुआ? मेरी माँ को कमरा खोलकर सोने की आदत थी, बंद कमरे में दम घुटता था उनका, हमें क्या पता था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चलो बाहर चलो। चलो चलिए चलिए बाहर चलिए। ये बहुत ही खूंखार अपराधी है, देखो इसको तुमने पहले कहीं देखा हो तो बताओ। तुमने इस आदमी को कहीं देखा है? इन लड़कों ने कई औरतों के कत्ल किए हैं, ध्यान से देखो। देखो बेटा तुमने कहीं देखा? नहीं। इधर आओ, आपने इसको देखा है? हाँ साहब, इनके पास एक मोटरसाइकिल थी साहब। मैं पक्के रास्ते से गांव की तरफ आ रहा था तो दोनों बड़ी तेजी से मोटरसाइकिल पर बैठे और सुल्तानपुर की तरफ निकल गए।
सुल्तानपुर? योगेंद्र, सुल्तानपुर जाने वाली सारी गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए, हर तरफ नाकाबंदी कर दो, ये दोनों बच के जाने नहीं चाहिए, चलो। अरे बहुत दिनों से बोल रही थी ना कि दाल बाटी नहीं खिलाते, आज तुझे दाल बाटी खिलाता हूँ, बैठ। मैं छोटा हूँ, अरे ऑर्डर शॉर्डर ले जाओ। सुनिए जी। हाँ बोल। जी वो जरा जाना है। वहाँ क्या? जी वहाँ। और नहीं तो कहाँ? सुनिए जी। हाँ बोल। जी वहाँ तो बड़ा सुनसान है, आप भी साथ चलिए ना। अरे थारे साथ सात जन्म जीने मरने की कसमें खाई है, इसका मतलब या तो नहीं है कि जहाँ भी जाएगी माने साथ लेके जाएगी। जा जा जल्दी जा। हो क्या हो क्या? छोटो, अरे कहाँ मर गया हो, जल्दी आ। कालिंदी खबर? नहीं सर, पर नाकाबंदी जारी है। और सर रात को जिस हाईवे वाले ढाबे पर औरत के पैर काटे गए थे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, सेम रीजन, एक्सेसिव ब्लीडिंग। हेलो, क्या साहब? मैंने ही फोन किया था आपको। जिसने भी ये किया है इंसान नहीं हैवान है, कमीन के बीच। योगेंद्र सर, सारे पैर को लैब टेस्ट के लिए भिजवाओ। सर कटे पैरों पर डीएनए टेस्ट हो गया है, कजरी धनिया बुढ़िया मोया सब है, जितने भी विक्टिम्स हैं सभी के डीएनए टेस्ट मैच हो गए, और वो कटे पैरों के हिस्से उन्हीं के थे सर। एनी अदर इन्फॉर्मेशन? एक बात और सामने आई है, जितने भी विक्टिम्स के पैर कटे थे उनके पैरों में चांदी के कड़े थे, और बुढ़ी अम्मा के पैरों में तो आधा आधा किलो के कड़े थे सर। इसका मतलब ये हुआ कि उन हमलावरों ने उन औरतों के पांव को सिर्फ इसलिए काटा क्योंकि उन्होंने उसमें चांदी के कड़े पहने हुए थे। योगेंद्र कम विद मी, ये रहा भिलवाड़ा, राइट? मौदा, वर्दी, गिरना, जजदा और सुल्तानपुर, इन्हीं इलाकों के बीच में सारी वारदात हो रही है, इज़न्ट इट? हमने यहां हर जगह नाकाबंदी कर रखी है लेकिन फिर भी वो हमलावर हमारी गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं, ये यहीं रह के ऑपरेट कर रहे हैं। योगेंद्र वो चांदी बेचते हैं। समझ गया सर, इन इलाकों में जितनी भी गहनों की दुकानें हैं सब जगह तहकीकात करते हैं। औरतों के पैर काटकर उन्हें जान से मार देने की एक के बाद एक घटती वारदातों ने पुलिस की जांच के सारे समीकरण बदल दिए। कजरी की हत्या के बाद गैर कानूनी लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या से जुड़े संगीन आपराधिक मामले सामने तो आए, लेकिन इन सभी हत्याओं का जो असली कारण सामने आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। औरतों के पैरों के चांदी के कड़े चुराने के लिए ये गिरोह औरतों के पैर काट कर ले जाता था। औरतों के पैरों में चांदी के कड़े, राजस्थान का ये परंपरागत श्रृंगार का सामान इंसानी हाड़ मास से ज्यादा कीमती हो गया। कजरी, बूढ़ी अम्मा और धनिया समेत न जाने कितनी मासूम औरतें चांदी पहनने की कीमत अपनी जान देकर चुका गई। इन निर्मम हत्याओं के सिलसिले को रोक पाना पुलिस के बस के बाहर होता जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस गिरोह तक पहुंचने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर क्या उनकी ये कोशिशें इस गिरोह का पर्दाफाश कर पाएंगी?
काम चालू कर दे। पूरा इलाका छान मारो, समझ में आया तुम्हें? मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुना। सर, हमने हर छोटी बड़ी दुकान में तहकीकात की, मगर वैसा चांदी वाला सुराग हाथ नहीं लगा। इस गांव में जरूर कुछ ऐसे कारीगर भी होंगे जो अपने घरों से ही रहकर काम करते होंगे। सर, अपनी मुस्तैदी बढ़ाओ, इन सांपों के बिलों को पता करो। ओके सर। माल तैयार हो गया? हाँ सर। लो। हींग लागे ना फिटकरी और रंग भी आवे चोखा। सर, आपका अंदाजा सही निकला। बेटी गांव में एक मनोहर नाम का आदमी है जो पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम किया करता था, लेकिन आजकल चांदी का बिजनेस करता है। सर, बनाती रहोगी के खाने को भी दोगी? अरे थारे वास्ते ही रोटी बना रही हूँ, आजा बैठ जा। ए कोयले खान की हीरा, अरे कठे चांदी करा रही से आज? रजदी गांव के घर में निशान बना के आई हूँ, जाके लूट आई है चांदी। घर पूरा वीरान है और दिन में घर की औरत कुआ पर पानी भरने जाती है। भैया, अब थे इतनी चांदी ले रहा हो तो मैं अपने बनावट के पैसे छोड़ देता हूँ। बोलो, अब तो खुश? अब जो चांदी का भाव है, तोल के उतने पैसे दे देना। भैया, मन ने विश्वास ना होवे, चांदी तो काली पड़ जाती है, ये तो चमक रही है। तू आदमी भोला है पर मैं बेईमान कौन, तेरे को तसल्ली करनी है तो चल अंदर आओ। भैया, चांदी बस चांदी होती है, नई पुरानी ना होती। अरे काली पड़ी चांदी को भी पिघला के नई बना देते हैं। अब हुई तसल्ली? तसल्ली तो हमें तब होगी जब तुम ये बताओगे कि ये चांदी तुम्हें देता कौन है। चल, यार छोड़ो, मत 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 बताओ साहब, बस करो साहब, वो बता दो। मैं साहब दो बंजारा ने साहब पता नहीं कहां से चांदी के भारी भारी कड़े लेके आती है साहब। सच कह रहा हूँ साहब, इससे अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। मैं तो बस उससे चांदी खरीद लेता हूँ साहब कम दाम पे। कहाँ रहती है वो? बंजारन है साहब, उनका क्या ठिकाना। पर हाँ, जब भी उनके कोई माल हाथ लगता है तो वो पीसीओ से फोन करके बुला लेती है साहब। योगेन, आसपास जितने भी बंजारों के ठिकाने हैं वहां जाके पता करो ये सच बोल रहा है कि झूठ। सर, जाके चेक करो, जाओ तुम ही जाओ। कोई मिला? सर कोई भी नहीं है अंदर, सब बोरिया बिस्तर बांध के चले गए। सर, बीडी गांव के पास एक बंजारों का ठिकाना है लेकिन यहां कोई नहीं मिला, लगता है सब भाग गए। ओके सर।
योगेन सर इधर आओ, ये देख रहे हो रेड मार्क्स? हाँ सर, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं सर? वो मनोहर जिन बंजारों की बात कर रहा था उनके हुलिया के स्केच बन गए? हाँ सर, मैं लेके आता हूँ, जल्दी करो। चांदी के लिए लोगों की जाने ले ली, चंडोलो किसको बेचते हो ये चांदी? हम तो हमारी कबीले की औरतों को वो चांदी दे देते थे साहब, माफ कर दो साहब। क्या नाम? क्या हीरा साहब और मिश्री साहब। चलो सब साइड में जाओ, इधर आओ, लाइन से खड़े हो। देखो हमें सिर्फ हीरा मिश्री और सेफ्टी से मतलब है, उन तीनों को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये देखो इनको कहीं देखा है? देखो है? सब साइड में हो। ए, ये लोग मुंह क्यों ढके, हटा सबका। ओ तो तू है? मैंने हाथ ना रखा। हाँ। बना सबको कहीं ले चलो, चलो। देख रही है जैसे उनकी पिटाई हो रही है वैसे तेरी भी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। सच सच बोल, बोल। साहब बताते हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हम तो लोहा लंगर बीन कर बर्तन बनाते हैं साहब, पर अब हमारे बर्तन कौन खरीदता है? पहले की बात और थी साहब, पर अब हम बंजारों को कौन पूछता है साहब, इसलिए अपना पेट भरने के लिए चांदी लूट कर बेचना शुरू कर दिया और उन मासूम औरतों की जाने ले ली। नहीं नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब, हमने किसी को नहीं मारा। मैं तो गांव गांव जाकर ऐसे घर तलाशती थी जहाँ पर आदमी कम और औरतें अकेली रहती हूँ, और उस घर के बाहर लाल रंग का निशान बना देती थी। तुम्हारे उन्हीं निशान के बदौलत तुम हमारे निशाने तक पहुंच गए। एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने वाले बंजारों के रेले में मौत के कुछ ऐसे सौदागर थे जिन्होंने कुछ स्थानीय आवासियों को जिंदगी के अंतिम पलायन की ओर भेज दिया, जहां से वो कभी लौट कर नहीं आ सकते। सभी अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार सजा सुनाई गई, जो कुछ भटके हुओं को समय रहते सुधर जाने की सीख देती है और आम इंसान को भी कि वो इन अपराधियों का निशाना बनने से पहले ही सतर्क हो जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं,
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।